clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. इस तरह आपको इंटरफेस मिलेगा। सबसे पहले आपने उर्दू पोएट्री कॉपी करनी है, फंड भी ऐड करना, बताऊंगा कैसे फंड ऐड करते हैं। आप इसको ओपन करें, इसको डिलीट करें और यहाँ पे पेस्ट कर दें। मैंने पहले से कॉपी किया, मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूँ। कोई भी चीज़ कॉपी करें ठीक है, उसके बाद इसको साइज यहाँ से छोटा होता है, ये यहाँ पे आ गई। उसके बाद बैकग्राउंड इमेज ऐड करना है। पहले वो फंड बताता हूँ, फंड यहाँ से पहले ये बजाना है, फिर उसके बाद यहाँ से फंड लिखा होगा। फंड में जाके माय फंड्स खोलें, माय फंड्स में जाके मेरा पहले से ऐड है। आप जिस ब्राउजर से भी डाउनलोड करेंगे उसकी लोकेशन होगी, अगर आप क्रोम से करते हैं तो उसकी ऑटोमेटिक जो होगी वो डाउनलोड ही होगी। तो आप यहाँ से फोल्डर क्लास फोल्डर में जाके ऑप्शन है, इसमें जाके आप यहाँ पे आप जहाँ भी डाउनलोड किया वो लोकेशन वाला मैंने डाउनलोड में किया है, तो ये इसको ऐड कर लेना यहाँ से ठीक है। इसको ऐड करने के बाद इसके ऊपर टच करेंगे तो ऐसे हो जाएगा। उसके बाद इसका स्ट्रोक कर दें, आप जितना करना चाहते हैं, 3 या 2 अच्छा होता है। मैं फिलहाल 2 कर रहा हूँ। उसके बाद शेडो भी लगा दें, ठीक है ये आ गए। अब इसमें है कि बैकग्राउंड कैसे लगाना है, ठीक है। बैकग्राउंड यहाँ से इसमें जाना है, मोबाइल पे ये होता है ठीक है, और कंप्यूटर सेम है। फ्रॉम गैलरी करना, आपको इधर ही शो हो जाएगी तस्वीर। मैं मेरी एमुलेटर है तो मुझे फोल्डर खोलना पड़ेगा, आपको यहाँ बाहर शो हो जाएगी। नहीं होगी तो आप इसको दबाएंगे तो यहाँ पे गैलरी का ऑप्शन खुद ही आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आ गए। उसके बाद यहाँ पे आने के बाद आप यहाँ से न्यू एड टेस्ट कर सकते हैं। आप देखेंगे यहाँ पे आपको सही नजर नहीं आ रहा, आप यहाँ से भी एडिट न्यू टेक्स्ट यहाँ से भी कर सकते हैं। इसको आपने प्रेस किया तो आप इसको पहले यहाँ पे कहीं पर टच कर दें, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको ऑप्शन आ जाएगा एड टेक्स्ट का, नहीं आया तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं, ये प्लस का ऑप्शन है। यहाँ पे दो बार प्रेस करें। अब बैकग्राउंड ब्लैक करने के लिए आप स्पेस बता रहे हैं ठीक है, और 3-4 बार एंटर दबा दें बस, क्योंकि हमने सर बैकग्राउंड के अलग लेयर बनानी है। इसके ऊपर भी लेयर बन सकती है, इसके ऊपर भी आप बैकग्राउंड बना सकते हैं, लेकिन अच्छा पहले ये आप इस पर करें सारा काम लेयर्स पे। आप उसके बाद बैकग्राउंड जाए, इसको एनेबल कर दें, या फिर टेंडर का जितना ज़्यादा करना काम करना चाहे हो सकता है ठीक है। उसको ये सारा फुल कर दें, ठीक है। आप देख रहे हैं कुछ लोग गलती करते हैं कि इसको, कुछ लोगों को समझ नहीं आता कि ये बैकग्राउंड ब्लैक हो गया, उनका जो क्वेट है वो नज़र नहीं आ रहा, तो आप ये लेयर्स का है ठीक है, इसको थोड़ा सा ऊपर कर लें, ठीक है जी आ गया। मैं थोड़ा जल्दी जल्दी करूँगा क्योंकि मेरी वीडियो 10 मिनट की है, तो मैं थोड़ा जल्दी करना पड़ेगा। उसके बाद ये आ गई, ठीक है। अब कुछ लोग मुझे पूछ रहे थे कि आप ना मुझे हमें आइकन बताएं किस तरह ऐड करना है। मैं यहाँ पे पाकिजा लेता था, तो आप कहीं से भी आप कर सकते हैं, PNG जिसे कहते हैं, जिस तरह इंस्टाग्राम का PNG आप कर सकते हैं। ये कोई भी आप कर लें ठीक है, मेरे पास टाइम कम है, मैं यहाँ से डायरेक्ट इम्पोर्ट करूँगा। आप गलती नहीं करना, फ्रॉम गैलरी नहीं करना, वरना गैलरी करेंगे तो फिर आप समझे आप गैलरी करते हैं ना यहाँ से, तो ये बैकग्राउंड चेंज हो जाएगा ठीक है। तो आपने ये गलती नहीं करना, इसे अंडू होता है, मतलब जो आपने पिछला होता है वो वापस आता है। उसके बाद यहाँ पे आपने जाना है इसमें और इम्पोर्ट करना है, समझ लेंगे एक्सपोज कर लेंगे। ये ऑप्शन जो है इसमें इंस्टाग्राम या फेसबुक का आइकन है ठीक है, इसको आपने साइज छोटा करना इसका। उसके बाद आपने यहाँ पे आके ऐड टेक्स्ट करना है, जो आप लिखना चाहते हैं आप पेज के बारे में, मेरा पकीज़ा इसका तो मैं ये लिखूँगा।
उसके बाद फॉन्ट में जाके कोई फॉन्ट लगा दो। फॉन्ट खुलने चले आए यहाँ पे। या आप अपने मर्जी से साइज जैसे लगाना चाहते लगा लेना। ठीक है, जी स्ट्रोक वगैरह भी है। कलर आप चेंज करना चाहें, आप कलर समझिए मोहब्बत का चेंज करना चाहते हैं, जो मेन हाईलाइट जिसे हाईलाइटिंग कहते हैं, तो आप मोहब्बत भी सिर्फ कर लें, सिलेक्ट करें पहले, फिर इधर आप हाईलाइटर। अच्छा येलो लगता है, भेज दे, ये भी कर लिया। अब मैं करना चाहता हूँ तेरे बात, ये कोई भी कलर आते हैं जो दिल करता इस तरह। ठीक है, बाकी कोशिश करें जो बैकग्राउंड है उसकी क्वालिटी अच्छी आ जाए, क्वालिटी गंदी होगी तो सही नजर नहीं आएगा।